यू विल नेवर बी रिच। क्यों? डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन, स्पेशली जो आज के मिलेनियल्स या फिर जेंजी के पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस का एक डिटरमाइनिंग फैक्टर था या फिर है जॉब। गेटिंग अ जॉब, मैरिंग समवन, बाइंग अ हाउस इज वेयर द एस्पिरेशंस ऑफ मोस्ट ऑफ अस टेक अ हॉल्ट। बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और वहीं से सारे माइंडसेट का ऑस्मोसिस भी होता है। बाय द वे, इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग चीज बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ 180 डिग्री टर्न हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बट फॉर नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बोला, किड्स लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट द पेनफुल पार्ट इज मोस्ट ऑफ इट इज कम्प्लीट BS, स्पेशली इन फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वाड्रेंट में जाऊं, हम सब इंसान हैं, आज हैं, कल क्या पता हो या नहीं। आई बेट यू नो दिस क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं स्टेटिंग दैट इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम था, अब वो बहुत ज्यादा मैग्निफाई हो गया, स्पेशली आफ्टर कोविड। एंड सम एस्टिमेट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द फ्यूचर जनरेशन और आर जनरेशन विल बी पुअरर देन द करंट वंस। नाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम में सेव रहना और रिस्क अवॉइड करना बहुत डीपली एम्बेडेड है, बट इट्स ऑल्सो रेयर टू अचीव वेल्थ ओवरनाइट, अनलेस आप कोई लॉटरी जीत जाओ या फिर योर फैमिली वॉज रनिंग अ सीक्रेट बिजनेस समवेयर। तो जॉब मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में पासपोर्ट की तरह एक्ट करता है टू बी सेफ। नाउ जब आपको सेफ्टी मिल जाती है, दैट्स वेयर द थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉन्ग। और ये वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे, कम्फर्ट जोन। जॉब या स्टाइफेंड तो है ही, 9 to 5 का पता नहीं, लेकिन इंडिया में ओवरवर्क कल्चर विदाउट पे तो है ही। इसमें इतना दिमाग खराब हो जाता है कि अगर आपको कुछ और करना भी है तो उसके लिए टाइम और एक्स्ट्रा दिमाग लाओगे भी कहां से। बट व्हाट इफ आई सेड देयर वाज अ वे फॉर यू टू जेन्युइनली बिकम वेल्दी एंड डू व्हाट यू लव। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। YouTube, TV, Instagram या फिर Facebook, आप कहीं भी जाओ आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी, बिकमिंग वेल्दी इज ओनली पॉसिबल इफ यू टेक actions। कैसा एक्शन? Taking risk, buying the overhyped stock or crypto, and you can easily mint money. And most of us fall into that trap and lose money. लेकिन हमारी wishes या फिर हमारे control का क्या? हमारे पास कोई strategy है भी या नहीं? And let's be clear, financial literacy तो हमें कभी मिलती नहीं है, लेकिन social media पे wealth and mental state damaging advice भर भर के मिलती है। Being actually poor and being conditioned to be poor are actually two different things. पुअर वो लोग हैं जो आपको रोड साइड या फिर स्लम्स में दिखते हैं, एंड दे ऑब्वियसली नीड अपलिफ्टमेंट। बट बीइंग कंडीशन्ड टू बी पुअर इज इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन। और इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, सपोज आपके पेरेंट्स एक जॉब या फिर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देयर सैलरीज आर ऑल्सो इन सिंक विद इन्फ्लेशन। बट आपने बहुत बार ये लाइन सुनी होंगी, वी कांट डू दिस, वी कांट डू दैट, वी कांट बाय दिस, वी कांट बाय दैट, वी कांट अफोर्ड दिस, वी कांट अफोर्ड दैट। And many times it's reasonable because you might actually be wasting money. लेकिन एक point आता है जहाँ पे lines बोलना आसान है rather than addressing the actual problem. पैसे हैं, but where are they actually going? And why aren't we really becoming wealthy? Even though हमारी salaries बहुत high हैं, क्योंकि अगर हमारी salaries high हैं, हमें wealthy तो होना ही है, और साथ में we can afford anything we want or need. लेकिन ऐसा होता नहीं है most of the times. और ये सारे issues कभी घर में address भी नहीं होते, and the kids learn from their parents. And जब वो बच्चे बड़े होते हैं, उनका mindset भी इसी way में condition हुआ होता है. So this mindset keeps getting passed from generation to generation. ये तो हो गई घर की बात, लेकिन व्हाट अबाउट स्कूल्स? क्योंकि बच्चे ज्यादातर अपना टाइम स्कूल्स में स्पेंड करते हैं। दुनिया में स्कूल स्टार्ट हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के अराउंड। उस टाइम लिटरेट एंड पार्शियली स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स की नीड थी जो चुपचाप बस ऑर्डर्स फॉलो करें। एंड आज 2022 में भी द स्कूलिंग सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। स्टूडेंट्स को फैक्ट्री वर्कर्स की तरह ट्रीट एंड कंडीशन किया जाता है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट एग्जाम्स होने के बाद डू यू इवन रिमेम्बर द ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू स्टडीड? मिस्टेक्स, failures, staying in good books of teachers, avoiding risks and following others. एक moment के लिए just step back and breathe. ये इतना ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि हमें पता भी नहीं चलता इतने साल हमारे दिमाग में जाता क्या है। We are all humans.
सबके सब इक्वल हैं एंड कोई और हमें जज करता है बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक क्रिएटिविटी या फिर मार्क्स। और ये बड़ा फिलोसॉफिकल साउंड कर रहा होगा, लेकिन व्हाट इफ आई से कि पेरेंट्स अपने एक न्यूबॉर्न को जज करें कि अगर वो खुद करेक्ट टाइम पे उठ के चलना शुरू नहीं करता, दे वुड येल एट देम और पनिश देम। क्रिंजी और क्रीपी है मुझे पता है, लेकिन बेस लेवल पे इट्स ऑल द सेम। पेरेंट्स अपने बेबीज को जज नहीं करते बिकॉज दे नो दैट दे आर ट्राइंग। लेकिन एज यू ग्रो अप आपको हर चीज एक ही शॉट में लानी है, आपको मार्क्स एक शॉट में लाने हैं, आपको कोई कंपटीशन एक शॉट में जीतना है, आपको कोई स्पीच एक शॉट में डिलीवर करनी है। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू ट्राई, दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉन्ग। और टीचर्स के साथ तो ये सबसे ज्यादा ट्रू है। नॉट दैट आई हेट स्कूल, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बट मोस्ट ऑफ इट इन द एंड सब कुछ रैट रेस पे आ जाता है। लेकिन एक दिन सारे रैट्स का एंड भी तो होगा ना, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विनिंग। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में ऑल आई लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस वर द स्पेलिंग्स ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंस। अगर आपके स्कूल ने आपको मार्क्स लाने से ज्यादा कुछ यूनिक सिखाया है, डू कमेंट इट डाउन बिलो। एंड आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कितने स्कूल्स इंडिया में पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ाते हैं। बट इज देयर अ वे आउट ऑफ दिस पॉवर्टी माइंडसेट जो पूरी हर्ड मेंटालिटी को प्रमोट करता है? मे बी। बाय द वे, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो एंड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। So, is there any solution? मेरी फेवरेट बुक है रिच डैड पुअर डैड, और इसमें एक लाइन है जो मैंने इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते हुए एक दो और वीडियोस में भी देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट बैक टू ऑल दोस लाइन जो मैंने पहले बोली थी, वी कांट अफोर्ड दिस। अगर आप इसे थोड़ा सा चेंज कर दो, लाइक हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, आपका पूरा सोचने का मैकेनिज्म ही बदल जाएगा। सीरियसली ट्राई इट। एंड बाय द वे, मैं यूजलेस चीजों को अफोर्ड करने की बात नहीं कर रहा। सपोज आपको कोई अच्छा बैग दिखा एंड यू वॉन्ट टू बाय इट, लेकिन आपके पास पहले से एक अच्छा सा बैग है, इन दिस केस यू विल बी वेस्टिंग योर मनी। इस केस में अगर आपको पैसे बचाने हैं, जस्ट अवॉइड बाइंग दैट बैग फॉर 1 week। और उस 1 week में ये होगा कि अगर आपको कोई चीज सच में नहीं चाहिए तो उसकी अर्ज ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एंड ये मेरे साथ भी हुआ है, इट वॉजंट अ बैग बट अमाउंट वॉज ह्यूज। बट अगर आपको सच में कोई चीज चाहिए विच कैन एड मीनिंग टू योर लाइफ और हेल्प यू इन योर लाइफ, then go ahead and buy it. But if you can't afford it, next time instead of saying I can't afford it, just say how can I afford it. ये आपके ब्रेन को सोचने में फोर्स करेगा कि आप उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो, एंड मे बी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दे दे। ये बिल्कुल एक पजल की तरह है, इंस्टेंटली आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इवेंचुअली ऑल द पीसेस विल फिट। लेट्स हेड टू द पॉइंट वेयर यू वर, यू विल बी और यू आर 18। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप साइंस में अच्छे हो, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, एंड यू आर स्टक ऑन द हैमस्टर व्हील, नाउ दैट्स नॉट योर और योर पेरेंट्स फॉल्ट। क्योंकि जो हमारे फैक्ट्री स्कूल्स थे या फिर हैं, उन्होंने हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है कि वी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बट वॉट इफ यू टुक एन आवर और टू आउट डेली एंड इंस्टेड ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स और पार्टीइंग, यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल फेस एवरी सिंगल डे। बोलना आसान है, लेकिन ऐसा कोई ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बिगन देयर जर्नी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो जो लोगों की हेल्प तो करे ही, लेकिन आपको रिटर्न में इनडिफाइनाइट वेल्थ भी दे, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इस सब के लिए आपको कोई और नहीं चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आई हैव आस्क्ड पीपल टू बिकम माई को फाउंडर और जस्ट जॉइन माई स्टार्टअप, लेकिन बहुत लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता टू चेंज देयर ओन लाइफ या फिर किसी और की। हमें बचपन से रोज सिखाया जाता है मेहनत करो, वर्क हार्ड। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीसेस टाइम टू टाइम पॉप करते रहते हैं विच शो दैट वर्किंग हार्ड डायरेक्टली गोज टू द डस्टबिन। सीरियसली, जैसे एक IT एम्प्लॉय ने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई और उससे अपने सारे फाइल ट्रांसफर और मेजॉरिटी ऑफ इस वर्क को ऑटोमेट कर दिया। अब वो दिन के बस 15 या 20 मिनट काम करके अपनी पूरी सैलरी ले रहा है। बट यहाँ पे आप सोचोगे कि अगर किसी को पता चल गया तो, ये उनके खुद के वर्ड्स हैं, I'll just get rid of the script. I'm running it on the equipment that I own. So if they lose me, they lose the work too. Creating my own job security. एक छोटी सी स्क्रिप्ट ने आपकी पोजीशन ले ली। इन टुडेज डे एंड एज आपका एक रिप्लेसमेंट ढूंढना स्विगी से खाना ऑर्डर करना जितना आसान है। एंड दिस इज ट्रू फॉर मेजॉरिटी ऑफ फ्रेशर्स एंड पीपल विथ लेस एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया,
आफ्टर दिस डू सीरियसली थिंक कि आपको आपके हार्डवर्क के लिए सैलरी मिलती है, या फिर एक सीईओ जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय से 351 टाइम्स ज्यादा अर्न करता है इज वर्किंग हार्डर देन यू, ये नॉर्मली बैठे रहने से और बिना कंफर्ट जोन से निकले तो होगा नहीं। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? फर्स्ट, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, सो क्विटिंग योर जॉब इज नॉट आइडियल। What you do while you are at your job is not in your hands, but what you do after you come back from it is completely in your hands. एक या दो घंटे से शुरू करो, and if you are genuinely interested in starting up, online हजारों sources हैं, कोई भी लो and just try it for a month or two. लेकिन एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है financial literacy. ये बहुत 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 ज्यादा important है. And the first tool is to learn about power of compounding. और इसके बारे में सीखने के लिए आपको description box में मेरी कुछ favorite books मिल जाएंगी, and I'm also including some resources for you. And most important of it all is stop saying I can't afford it. Instead say how can I afford it. But ये सब करने में भी एक hurdle है, comfort zone. तो इससे कैसे निकले? Feeling lazy, lethargic and sleepy is not new to us. मेरे साथ तो रोज होता है, but there are some external factors which can actually help you, like meditation, workout, या फिर something as simple as going for a walk. क्योंकि एक रट में फंसे रहना बहुत disastrous है, and अगर उसके साथ आप existential crisis भी include कर दो तो आपका दिमाग पक्का फट जाएगा. So if you ever feel stuck, just take a step back, relax and breathe. By the way, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा. सो इफ यू लिव इन एनी मेट्रोपॉलिटन पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसी सिटीज में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, एंड दे फाउंड आउट कि आफ्टर कोविड पीपल आर ऑर्डरिंग अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम साइट्स लाइक स्विगी एंड जोमैटो. सो ऑब्वियसली देयर प्रमोशनल टैक्टिक्स आर वर्किंग, बट यू कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस. सपोज यू ऑर्डर 3 times अ वीक, but now you cut it back a bit and save just 2000 rupees extra per month, and you put those to stocks and index funds, and suppose you get 14 to 15% return, which is not a big deal in Indian markets these days, so just do it for 10 years which is not very long, to aapke paas 10 saal ke baad 7 to 8 lakh rupees honge with just 2000 rupees investment per month. ab aap 10th year pe sab kuch rok do, 2000 रुपए डालते थे मत डालो, एंड डोंट इवन पुट द इन्फ्लेशन अमाउंट. अब अगले 10 साल के लिए आप बस उन्हें स्टॉक्स या फिर इंडेक्स फंड्स में फिर से छोड़ दो, कुछ मत करो उसे, बस टच भी मत करो, वैसे ही रहने दो. आफ्टर दोस 10 इयर्स इट बिकम ऑलमोस्ट 32 lakhs, और आप अगर उससे हर मंथ 1% पे आउट भी लोगे तो आपको पूरी जिंदगी के लिए फ्री का खाना मिलता रहेगा. एंड दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एंड मुझे लगता है कि मैं वेल्थ के बारे में जितना भी पढ़ूं या फिर सीखूं वो कम ही रहेगा, एंड इट्स नेवर इनफ. लेकिन कंज्यूमिंग लिटिल बिट्स एवरी सिंगल डे इज मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई. आपका माइंड सेट बींग रिच या फिर वेल्दी चूज कर सकता है, बट वेल्दी इज ऑलवेज मच बेटर देन बींग रिच. फॉर स्टार्टर्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट बेसिक पर्सनल फाइनेंस, एंड आई थिंक कि मैं भी उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू सून.